हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऊप्स प्लेसमेंट सीरीज। आज बात होगी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के नेक्स्ट लेवल के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जावा में जब आप किसी मेथड या क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इंटरव्यू में एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन आंसर उसका बहुत ट्रिकी होता है। तो इस वीडियो में मैंने उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश की है जो एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा और इस वीडियो में आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट की नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट के डिस्कशन। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अब अगला डिस्कशन। जैसा मैंने कहा था, एब्स्ट्रैक्ट अगर हम यूज करते हैं कोडिंग में तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, और अगर आपने नहीं रखा तो कोड जनरेट कर देगा सिंटेक्स एरर। तो सबसे पहली बात जो आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में याद रखनी है कि जब भी आप किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उस मेथड की प्रोटोटाइप में लिखना पड़ेगा। आपके खाली सोच लेने से वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, मेथड को डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको विद द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जावा में, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, अगर मैं जावा में ऐसे लिखता हूं पब्लिक वॉइड शो और मैं सोचू मैं इसको कोई बॉडी ना दू, ये एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो फ्रेंड्स ये मैं गलत सोच रहा हूं। मेरा पब्लिक वॉइड शो इस तरह से लिखना जावा में जनरेट कर देगा एरर। मुझे कहना पड़ेगा स्पेसिफिकली जावा से एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड शो, तब कहीं जाकर जावा मुझे इस बात का परमिशन देगी कि मैं इस मेथड को बिना बॉडी के बना पाऊं। अगर मेथड को बॉडी नहीं देनी है तो कंपलसरी है कि आप उसके साथ कीवर्ड यूज करें एब्स्ट्रैक्ट, पहला पॉइंट। दूसरी जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, अगर आप मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको उसकी क्लास के अंदर मेथड को कोई बॉडी नहीं देनी है। आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट के साथ कर्ली ब्रेसेस लगाना अलाउड नहीं है, या तो ब्रेस आएंगे और या कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट आएगा। कहने का मतलब, दिस इज रॉन्ग कोड, कि प्रोग्रामर कहे एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड शो और प्रोग्रामर इसको बॉडी भी दे रहे। If you are doing like this, Java is not going to allow this and Java will generate syntax error. तो या तो brace दे दो और या abstract लगा दो, दोनों एक साथ नहीं है। Third important point, वो भी मैंने आपको last video में समझाया था practically, अगर आप method को abstract करते हैं तो एक compulsory है कि आप उस class के आगे भी abstract keyword use करें जहां आपने इस method को करा है declare। अगर method abstract है तो class का भी abstract होना compulsory है। कहने का मतलब, इस कोड को देखिए और बताइए इसमें कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, ये नहीं चलेगा, कंपाइलर दे देगा एरर, क्योंकि अगर आपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करा है तो क्लास को भी आप एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। और ये मत सोचिएगा एरर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की पोजीशन को लेकर है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एक्सेस मॉडिफायर के पहले भी आ सकता है और एक्सेस मॉडिफायर के बाद में भी आ सकता है, ईदर वे यू विश, बस ये रिटर्न टाइप के पहले होना चाहिए। तो आप वॉइड के बाद एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन आप इसको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, आप इसको एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक भी लिख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, आपने शो को एब्स्ट्रैक्ट करा है लेकिन आपने किसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं करा है, आपने ए क्लास को नहीं कर रखा है एब्स्ट्रैक्ट। जब तक ए एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी तब तक शो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? इसका करेक्ट वर्जन जो आपको सेकंड कोड दिख रहा है वो होगा जिसमें ए को भी प्रोग्रामर ने एब्स्ट्रैक्ट करा है और शो को भी प्रोग्रामर ने करा है एब्स्ट्रैक्ट। हालांकि एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं, इसका वाइस वर्सा कंपलसरी नहीं है। वाइस वर्सा कंपलसरी नहीं मतलब मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है, लेकिन क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर का कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो ही हो। यानी सरप्राइजिंगली दिस कोड इज वैलिड इन जावा। अगर मैं जावा से बोलता हूं एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, ध्यान दीजिएगा, और एब्स्ट्रैक्ट माय मिस्टेक, और अंदर आकर मैं कह दूं पब्लिक वॉइड शो और शो को मैं बॉडी दे दूं, तो फ्रेंड्स मुझे जावा कोई कंप्लेंट नहीं देगी। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट कंपल्सरीली नीड टू हैव एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट कंपल्सरीली बी डिक्लेयर्ड इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं है, मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो ये जरूरी है। अब आपको लग रहा होगा, सर अगर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करना ही नहीं है तो क्लास को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्या रीजन रहेगा कि हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करें? तो रीजन अगली स्लाइड पे, राइट? क्या रीजन है? रीजन ये है कि अगर आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो या ना हो, अगर क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो जावा आपको उस क्लास का कभी नहीं बनाने देती है ऑब्जेक्ट। जावा आपको उस क्लास का कभी नहीं बनाने देती है ऑब्जेक्ट। जब भी आप चाहें आपकी क्लास का कोई इंस्टेंसिएशन ना कर पाए, आप अपनी क्लास के आगे कीवर्ड लगा देंगे एब्स्ट्रैक्ट।
ये जनरली उन परिस्थितियों में होता है जब हमारी क्लास के अंदर इतनी फंक्शनैलिटी नहीं है क्योंकि प्रोग्रामर उस क्लास को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। कभी आप एडवांस जावा या जेडब्ल्यू पढ़ेंगे तब आप ये देखेंगे वहां एक क्लास है जिसका नाम है HTTP सर्वलेट। इंटरव्यू पर्पस से आपको बता रहा हूं, जावा के पास एक क्लास है जिसका नाम है HTTP सर्वलेट। फ्रेंड्स ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है लेकिन इसके अंदर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो जावा में ऐसी कई एग्जांपल आपको मिलेंगे जब क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करा जाता है पर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करा गया है। वो जनरली हम तब करते हैं जब हम क्लास का नहीं चाहते हैं कि कोई प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट बनाए, हम चाहते हैं वो इस क्लास को इनहेरिट करें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करें और वो इनहेरिटेड क्लास का यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो हमेशा याद रखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नेवर बी इंस्टेंशिएटेड। इससे फर्क नहीं पड़ता उनके अंदर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है कि नहीं, अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। ये जावा का अपने आप में रूल है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर आपने जावा के अंदर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करा है तो आप रेफरेंस तो बना सकते हैं, देखिए नोटिस करिए रेफरेंस तो बना सकते हैं लेकिन आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपने बोला ओबीजे इक्वल टू न्यू ए तो कंपाइलर दे देगा एरर क्योंकि ए क्लास को आपने कर रखा है एब्स्ट्रैक्ट। तो रेफरेंसेस बनाना अलाउड है, ऑब्जेक्ट्स बनाना अलाउड नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास के अंदर आप मेथड्स रख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स रख सकते हैं, बस ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। 90% स्टूडेंट्स को मैंने देखा है उनको ऐसा लगता है कि अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो हर मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा और कंस्ट्रक्टर तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं पाते हैं। दिस इज रॉन्ग, आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, चाइल्ड क्लास का तो बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तो इसको इनहेरिट करके इसके मेथड्स को कॉल कर पाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फ्रेंड्स सब कुछ हो सकता है, सेटर, गेटर, कंस्ट्रक्टर, नॉर्मल मेथड, बस एक चीज अलाउड नहीं है कि इसका आप नहीं बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जावा दे देगी एरर। और यही कारण है, अगला पॉइंट यही कारण है कि अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है तो जावा कहती है वो क्लास दो में से एक शर्त मानेगी। पहली बात, या तो वो जिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करे, करना ही पड़ेगा कंपल्सरीली। अगर नहीं करेगी तो प्रोग्रामर को चाइल्ड क्लास के साथ भी यूज करना पड़ेगा कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। फिर सुनिएगा, एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। इमेजिन करिए मेरे पास ये क्लास है, राइट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। ओके फ्रेंड्स, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए के अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1। ये मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, राइट। एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने बनाया है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M2, राइट। और मैंने एक नॉर्मल मेथड बनाया है, जैसा मैंने आपसे कहा एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहना है एवरीथिंग विच अ नॉर्मल क्लास कहना है। तो एक M3 बनाया है जिसमें M3 की मैंने कुछ बॉडी दे रखी है। क्या बॉडी दे रखी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, फिलहाल कुछ कोड यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाता हूं, लेट्स से क्लास बी क्लास ए को एक्सटेंड करती है, तो फ्रेंड्स क्लास बी के प्रोग्रामर को दो में से एक बात माननी पड़ेगी, या तो उसे M1 M2 दोनों को करना पड़ेगा ओवरराइड। M3 को ओवरराइड करना ऑप्शनल है क्योंकि M3 एब्स्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन M1 M2 को करना पड़ेगा। तो या तो बंदा लिखे पब्लिक वॉइड M1, राइट, या M1 की कुछ बॉडी दे, ऐसे ही वो लिखे पब्लिक वॉइड M2 और यहां वो M2 की बॉडी दे। अगर वो ऐसा करता है, ध्यान दीजिए, अगर वो ऐसा करता है तो जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बी क्लास है वो कैसी बन जाएगी, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बी क्लास है वो बन जाएगी एक कॉन्क्रीट क्लास। क्या बन जाएगी ये, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बी क्लास बन जाएगी एक कॉन्क्रीट क्लास। और कॉन्क्रीट क्लास वो होती है जिनके ऑब्जेक्ट्स बनाना अलाउड है। यानी अब आप जावा से अगर ये बोलोगे ना AOBJ इक्वल टू न्यू बी, तो जावा इस बात की परमिशन देगी आपको क्योंकि बी ने प्रॉपरली M1 M2 दोनों को ओवरराइड करा है। बट फ्रेंड्स अगर मैं ये इमेजिन कर लू, लेट मी रेज दिस ऑफ, अगर मैं ये इमेजिन कर लू कि जो हमारी बी क्लास है, उस बी क्लास ने फ्रेंड्स M2 को ओवरराइड नहीं कराया, ध्यान दीजिएगा किसको कराया, M1 को कराया बट M2 को नहीं कराया, अब बी क्लास कॉन्क्रीट नहीं रह गई, अब ये प्रोग्राम देगा एरर। क्यों, क्योंकि अगर प्रोग्रामर ने M2 ओवरराइड नहीं कराया तो उसे बी क्लास के पहले कीवर्ड लगाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट।
यही स्लाइड आपको समझा रही है। या तो आप हर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी दें, नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं, फिर आप अपनी क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाएं एक चीज, और आपकी क्लास का नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट दूसरी चीज। ये जावा का रूल है। इंटरव्यू में बहुत बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, एक बार चाइल्ड का भी नहीं बनेगा अगर चाइल्ड ने एब्स्ट्रैक्ट को इनहेरिट करा और किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को वो ओवरराइड नहीं करती है। तो अगर चाइल्ड चाहती है वो कॉन्क्रीट बने तो उसे पॉइंट नंबर वन फॉलो करना पड़ेगा, उसे कंपल्सरी तौर पर सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करती है कोई बात नहीं तो फिर उस चाइल्ड क्लास के आगे प्रोग्रामर को प्रीफिक्स करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और चाइल्ड का भी नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये डिस्कशन था हमारा रिगार्डिंग द पॉइंट्स टू रिमेंबर जब हम किसी भी मेथड को करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और क्लास को करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या जावा में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट करना अलाउड ही नहीं है। लेट अस सी आप क्या फिगर आउट करते हैं, उन मेथड्स के नाम बताइए जिनके साथ एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे तो जावा दे देगी सिंटेक्स एरर। इसका आंसर मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। टिल देन कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।